तो आज का वीडियो में यहाँ पर एक स्पॉट वेल्डिंग बनाएंगे, जो वेल्डिंग मशीन बनाएंगे, जो कि यहाँ पर आप घर पे ही बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर कुछ पैसा आपका यहाँ पर खर्च होगा, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो शुरू कर। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान यहाँ पर जरूरत लगेगा वो चीज़ सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला चीज़ है, यहाँ पर आपको ये ट्रांसफार्मर आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हम जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 12012 यहाँ पर 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर मेरे पास है। तो इस ट्रांसफार्मर से हम यहाँ पर बनाएंगे जो कि, और इसका बाद जो हमको यहाँ पर लेना है इसको ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर बनाने के लिए हमको ये डायोड का यूज करना है। तो हम जो यहाँ पर डायोड का यूज कर रहे हैं, मेरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर जो है कि 5 एम्पीयर का है, तो 6 एम्पीयर का यहाँ पर हम डायोड यूज करेंगे जो कि मेरे पास ये 4 है, ठीक है। और उसका बाद हमको यहाँ पर कैपेसिटर ले लेना है। तो ये कैपेसिटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों यहाँ पर एक ही वैल्यू का है, 4700 UF का और 50 वोल्ट का है। और एक ये छोटा सा, इसको भी हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि ये छोटा है लेकिन बहुत काम का चीज़ है ये भी, ठीक है। तो ये 100 वोल्ट का है और यहाँ 470 का है ये, तो इसको भी हम यूज करेंगे। और एक आपको यहाँ पर ये बैटरी का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ये बैटरी किस लिए यहाँ पर जरूरत पड़ेगा वो चीज़ चलिए बता दो। वैसे बैटरी का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें से आपको तोड़ करके और इसका जो अंदर में ये जो रहता है इसका पॉजिटिव वाला, इसको आपको निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीका से हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ये इसमें इस तरीका से यहाँ पर लगा हुआ रहता है इसके पॉजिटिव साइड में। तो इसको आपको यहाँ पर एक बैटरी में से आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है। इसको बहुत आसानी तरीके से निकाल लीजिएगा टूटे फूटे ना। और एक साइड में आपको क्या करना है, इस तरीका से आपको जो है कि इसको नोखी बना लेना है। आप देख सकते हैं कुछ हल्का सा हमने घिस लिया है, आप भी घिस करके यहाँ पर बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको किस तरीका से बनाना है वो चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर कोई भी वायर आप जब यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मोटा वायर आपको यूज करना है, पतला आपका नहीं यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर वायर जो है कि पतला यूज कीजिएगा तो यहाँ पर हीटिंग होगा, गर्म होगा और अच्छे तरीके से एम्पियर भी यहाँ पर नहीं जाएगा, तो ये काम जो है कि नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है कि इस डायोड का जो है कि हम यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। वैसे आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना यहाँ पर पता है कि 4 डायोड को कुछ इस तरीके से करके यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर मोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमको यहाँ पर टेम्पोररी इस तरीके से वीडियो में दिखाना है। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे, बाकी आप अगर यहाँ पर बनाइएगा तो आपको इस तरीके से रख के आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर मोड़ लेना है ताकि जो है कि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करे। तो हम चलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख करके इसको डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो अभी देखिए हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लिया है, आप यहाँ पर उस तरीके से जोड़ेगा जैसे हमने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पॉजिटिव साइड हो गया और ये साइड नेगेटिव हो गया और बाकी ये दोनों यहाँ पर इनपुट साइड हो गया। तो चलिए इसको साइड में करते हैं। अब चलिए यहाँ पर पारी है कैपेसिटर का। तो ये जो कैपेसिटर है आपको कुछ इस तरीके से पैरेलल में आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेंगे जो कि इस वायर की मदद से, ताकि यहाँ पर ये मोटा रहे और अच्छा यहाँ पर काम करे। तो चलिए इसी की मदद से जो कि हम इसको जोड़ लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये नेगेटिव में नेगेटिव हमको आपको कोई सा भी यहाँ पर ले लेना है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रीन वायर दे रहे हैं ताकि यहाँ पर नेगेटिव का यहाँ पर पहचान हो। तो इसको हमको इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेना है। ये काफी मोटा वायर है, आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आप इसको सोल्डिंग करना पड़ेगा। जब आप बनाइएगा खुद से तो अपने हिसाब से यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको जोड़ लेना है, ठीक है। इन दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब ये छोटा वाला मेरा बच रहा है तो इसका नेगेटिव इस साइड है, तो इसको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख के और इसको भी हम, ठीक है। तो एक साइड हमने यहाँ पर कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव साइड हमको देख लेना है। तो ये इसका पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको करके अच्छे तरीके से यहाँ पर बना लेना है। इसको हम अंदर से लेते हैं और ये थोड़ा सा छोटा है इसके कारण यहाँ पर ये नीचा हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसको इस तरीके से करके। चलिए ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने कर रही है। इसको बड़ा रखा है इसलिए ताकि यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर जोड़ सके। तो अभी आपको क्या करना है कि इसमें आपको यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से चलिए हम यहाँ पे करके इसको लगा देते हैं। बाकी आप इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिएगा, तो मेरे पास ये वाला इस साइड इसका पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव हम इस तरीके से यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। चलिए तो ये इसका पॉजिटिव हो चुका है और इस साइड में इसका नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, ये चलिए हमने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया है, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का वायर हमको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो ट्रांसफार्मर का वायर जो यहाँ पर 12-12 का जो वायर आ रहा है, ये दोनों 12-12 का, उसको हम लेंगे यहाँ पर, 0 को जो है कि यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए ये 12-12 जो मेरा जो वायर है ये दोनों ग्रीन है, ये दोनों ग्रीन वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं क्योंकि हमको 0 का यहाँ पर कोई भी काम है नहीं।
हम यहाँ पर 12-12 का ही यूज करेंगे। एक इस साइड जोड़ देना है और एक इस साइड जोड़ देना है, जिस तरीका से मतलब कनेक्शन होता है उसी तरीका से आपको यहाँ पर कर लेना है। अगर अच्छे तरीके से बनाइएगा छोटा सर्किट तो काफी अच्छा, ये काफी छोटा बनता है, वैसे हम इस तरीके से यहाँ पर बनाया है। चलिए अब बीच वाला जो इसको जीरो है इसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो का कोई भी काम है नहीं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा देखने के लिए मिलता होगा। चलिए ट्रांसफार्मर को इस तरीके से घुमा देते हैं और इसको यहाँ पर रखते हैं। अब इसका जो ये दोनों जो वायर है यहाँ पर, ठीक है, जो इसका निकल रहा है ये आउटपुट के लिए, तभी क्या करना है, ये जो पॉजिटिव वायर है इसमें क्या करना है, जो बैटरी में से जो आप यहाँ पर निकाले थे इस बैटरी में से, तो इसको आपको यहाँ पर लगा देना है, जिस साइड में नोकी उस साइड में नहीं, इस साइड में। लेकिन आपको इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट बिल्कुल भी यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर कोई भी लूजिंग कनेक्शन यहाँ पर ना रहे, हो सके तो यहाँ पर अच्छे तरीके से किसी चीज से इसको टाइट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हीट होता है, ये चीज आपको हम बताते हैं, ये यहाँ पर जो है कि हीट होता है। तो चलिए हम इस तरीके से यहाँ पर लपेट रहते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से टाइट करना है। हम यहाँ पर नॉर्मली इस तरीके से हाथ से यहाँ पर कर देते हैं, आपको किसी फ्लास्क की मदद से या किसी चीज की मदद से आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेना है। ठीक है, और एक जो है कि ये इस तरीके से यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जैसा कि ये वेल्डिंग मशीन में जिस तरीके से काम करता है। चलिए इसमें सप्लाई यहाँ पर चालू करना है, तो इसको सप्लाई चालू करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पावर प्लग का यूज करेंगे छोटा सा, और इसमें चलिए हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। वैसे अगर आपको यहाँ पर इससे भी मतलब हाई पावरफुल आपको यहाँ पर बनाना होगा अगर इस तरीका से स्पॉट वेल्डिंग, तो काफी इसी से बन जाएगा। वो किस तरीका से, जो हमने यहाँ पर बैटरी का जो ये लगाया है, आपको इसको यहाँ पर ना लगा के एक कॉपर वायर आपको लेना है मोटा इस तरीका से, या इससे थोड़ा पतला हो सकता है, और इस जगह पे आपको दोनों में आपको कॉपर वायर इस तरीके से लगा देना है। तो बहुत ही पावरफुल है ये, बहुत ही हाई स्पार्किंग भी यहाँ पर होता है, और दूसरा क्या है कि एक बार में जो है कि अच्छे तरीके से यहाँ पर जो भी लिथियम बैटरी का भी जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं किसी भी चीज का यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको पावर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए इसको जो है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लगाते हैं 220 वोल्ट AC पर, और इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से जोड़ा हुआ है। अब चलिए यहाँ पर इसमें सप्लाई हम देते हैं। चलिए तो सप्लाई मेरा यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर करंट अभी चालू है इसमें, इसमें सप्लाई यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं, वैसे किसी भी चीज पे यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। चलिए एक मेरे पास तो वैसा कुछ है नहीं जो मतलब दिखाएं, चलिए ये है तो इसको हम ले लेते हैं एक कोई सा भी। चलिए ये बिल्कुल भी फ्रेश है, तो ये इसे देखा जाए तो यहाँ पर ये पेस्ट का ये है ढक्कन है, जो पेस्ट होता है उसका ढक्कन है, ये काफी टीना का होता है, काफी हार्ड होता है। तो चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं ये किस तरीका से यहाँ पर काम करता है, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक जो रहेगा इसको आपको कुछ इस तरीका से यहाँ पर अटैच कर देना है इसी में, ठीक है, आपको अटैच कर देना पड़ेगा, और बाकी जो इस ये वाला रहेगा इससे आपको जो भी काम करना होगा आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो आप देखिए ये काफी जो है कि हार्ड यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर। चलिए इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर पकड़ लेते हैं, ठीक है, देखिए ये जो है कि बिल्कुल भी इसको यहाँ पर कट कर दे रहा है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर कट कर देगा। चलिए देखते हैं और भी ट्राई करके, तो ये काफी हार्ड है आप देख सकते हैं, इसको तुरंत भर में जो है कि ये गला दिया है आप देख रहे हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक शेविंग ब्लेड लेते हैं और देखते हैं कि इसमें ये किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको डाउन कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा सके, ठीक है। ये मेरे पास शेविंग ब्लेड है, बिल्कुल भी नया है, और चलिए इसको दो टुकड़ा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मतलब पार हो जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए। चलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आपको पकड़ के दिखा रहा है तब आपको समझ में आएगा, देखते हैं कि ये मतलब ये काट पाता है इसको कि नहीं। चलिए ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल भी जो है कि ये खत्म हो चुका है ये, ठीक है, ये बहुत ही मतलब परफेक्ट तरीके से काम कर रहा, बहुत ही हार्ड कर रहा है। इससे भी अगर आपको अच्छे तरीके से पावरफुल इसको करना है तो यहाँ पर आपको जो है ना कि बिल्कुल भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कि आपको इसको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने इस तरीके से यहाँ पर जोड़ करके रखा है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर टाइट कर लेना है।
तो बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसको और भी ज्यादा इसको पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इसको हटा करके आपको कॉपर लगा देना है, लेकिन कॉपर में क्या है कि बहुत ही ज्यादा हाई पावर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये नॉर्मल तरीका से इस तरीका से ये काम करते रहेगा अपने हिसाब से। ये वैसे इसको अगर हम इस तरीका से जोड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ये गला दे रहा है बिल्कुल भी, इतना ज्यादा ये पावरफुल है। देख सकते हैं किस तरीका से इसको जो है कि गला दिया है बहुत ही आसानी तरीका से, जो कि जरा सा भी इसको इसको गलाने में यहाँ पर टाइम नहीं लग रहा है। देखिए जैसा कि इस तरीका से हम इसको पकड़ लेते हैं और इसको यहाँ पर देखिए टच करते हैं और ये बहुत ही जल्दी मतलब इसको गला दे रहा है। ये हीटिंग भी ज्यादा यहाँ पर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ हैंडल टाइप को लगा देना है ताकि आपको यहाँ पर पकड़ में आए। ठीक है, ये देखिए एक बार में पूरा इसको आर पार इसको छेद कर रहा है, आपको देख सकते हैं कैमरा आपको दिखता होगा, चलिए आपको अच्छे तरीका से दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक बार में जो है कि इसको पूरा गला दे रहा है। ये ब्लेड जो होता है ये पकिया एक लोहा होता है दोस्तों, आप लोग सही वाले लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको ये जो है कि कुछ नहीं यहाँ पर ये समझ रहा है। ठीक है, ये देखिए ठीक तेजस्वी लोग कहाँ से लाते हैं ये दिमाग? है, देखिए तेजस्वी काफी यहाँ पर हार्ड है, अगर इसका फायरिंग भी यहाँ पर देखें डायरेक्ट इसमें तो काफी यहाँ पर हार्ड होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पैसा नहीं लगेगा, देखिए इसमें आग पकड़ ले रहा है दोस्तों, आप देखिए इसमें ये देखिए इसका क्या हालत किया है यहाँ पर कॉपर का। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हीटिंग हो रहा है। बाकी ये छोटा सा वीडियो हमने यहाँ बनाया था जो कि एक भाई का कमेंट के ऊपर था वीडियो, बाकी ये था ये काफी हाई यहाँ पर काम कर रहा है, बाकी आप किसी भी चीज में इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं यहाँ पर हैंडल लगा के। चलिए बाकी अगर वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर से कीजिएगा और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए क्योंकि हर तरीके का यहाँ पर वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।